मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम माता की जय। भारत का शहीद अमर है अमर है। भारत का शहीद अमर है अमर है। ब्रिगेडियर रसमान अमर है अमर है। भारत माता की जय। ब्रिगेडियर रसमान अमर है अमर है। मैं सबसे पहले डॉक्टर शर्मा अंडोत्रा साहब और उनकी टीम को इस मौके पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इशू उठाया है जो कि हमारे लिए बहुत पर्टिनेंट है। आज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के उनके बलिदान दिवस पे जो 3 जुलाई को हुआ था, मैं उनको अपनी नमन करता हूँ उनकी शहादत को। मैं थोड़ी चीज़ आपको ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में बताऊँगी कि वो क्या थे। ब्रिगेडियर उस्मान 1912 में यूपी के आजमगढ़ में पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने फौज को उनको ज्वाइन करने की बहुत तमन्ना थी। उन्होंने रॉयल एकेडमी सैंडर्स जो कि ब्रिटेन में है वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की। जिस समय ये ब्रिगेडियर बने उस समय इनको पाकिस्तान के जो कायदे आज़म थे जिन्ना जी ने, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान में हमारे साथ आ जाइए, हम आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना देंगे। लेकिन वो ऐसे सेक्युलर और देशभक्त थे कि उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय फ़ौज में ही रहूँगा। उस समय वो बलूच रेजिमेंट में थे। बलूच रेजिमेंट जब ये 47 के बाद उन्होंने डोगरा रेजिमेंट ज्वाइन की, और जब वो डोगरा रेजिमेंट में थे तो उस समय वो कहते हैं कि उन्होंने अपने डोगरों के लिए वो मंगलवार को व्रत रखते थे, पूजा करते थे और वो वेजिटेरियन हो गए। अभी जब पाकिस्तान ने 47 में हमारे ऊपर कबायली और पाकिस्तानियों के साथ अटैक किया तो ये उस समय नौशहरा में 50 पैरा ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। उस समय नौशहरा के अंदर जो मस्जिद है उसके अंदर तकरीबन 5,000 मुस्लिम सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक और कबायली उसमें घुस गए। अभी इनके साथ जो यूनिटें थी वो थोड़ा झिझक रही थी कि भाई पाकिस्तान के जो गंदे घुसे हुए हैं मस्जिद में, हम मस्जिद के ऊपर फायर कैसे करें। अभी मैं आपको बताता हूँ ब्रिगेडियर उस्मान क्या वो चीज़ थे। उन्होंने बोला कि जब मस्जिद में कोई नापाक आदमी आ जाता है तो फिर वो मस्जिद नहीं रहती, ये मस्जिद तब तक ही है जब तक कोई वहाँ पर नापाक आदमी नहीं है। और इन्होंने अपनी बंदूक उठाई और पहला फायर जो है इन्होंने मस्जिद के ऊपर किया था। उसके बाद इनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। एक जंगड़ जगह पड़ती है जो कि मीरपुर कोटली को डोमिनेट करती है नौशहरा से आगे जाके। जंगड़ में पाकिस्तानी आके बैठ गए थे। मार्च के अंदर इन्होंने अपने ब्रिगेड के साथ जंगड़ को कैप्चर किया। अभी जनरली क्या होता है कि जो कमांडर होता है वो पीछे रहता है, लेकिन ये बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर अपने जवानों के साथ थे। उन्होंने अपने जवानों को नहीं छोड़ा और आज के दिन एक मोर्टर के गोले से इन्होंने शहादत हासिल की और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब इनका बरियल हुआ दिल्ली में जामिया मिलिया के यूनिवर्सिटी के पास, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट और लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने आके इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मैं भी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान जो हैं वो क्या थे। और जम्मू के अंदर अभी हमारा जो कैंट के अंदर जो उस्मान अफसर इंस्टीट्यूट है UI, वो उनके नाम पे बनाया गया है। तो ये हमारी जो यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे पास कैसे कैसे जांबाज, सेक्युलर और देशभक्त थे ताकि वो उनसे प्रेरणा हासिल करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।